हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। कुछ साथी जो है वो कह रहे थे कि कमेंट करके कि आप जो है हिस्ट्री जो वो पढ़ाइए सिस्टमेटिक ढंग से। तो मैंने इसमें ऐसे टॉपिक पहले लूँगा, मैं ये सोचा है कि जो थोड़े से कठिन माने जाते हैं, जो अनटच रहते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे चोल राजवंश, ये है, दो तीन पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। छोटा वीडियो होता है, वो देखने में सुविधा रहती है। चोल राजवंश जो है ये दक्षिणी भारत का एक महान राजवंश था, और ये 3री सदी में अस्तित्व में था एक तो, और फिर 9वीं सदी में था, बीच में ये गायब रहा। दक्षिणी भारत में आप इसको देख सकते हैं, दक्षिणी भारत में ये जो इलाका है ये चोल वंश का था। इधर चोल थे और इनके पड़ोस में पांड्य थे, और इधर जो है चेर थे केरल में, और यहाँ श्रीलंका। तो इस सारे इलाके में इनका प्रभाव रहा। चोल प्रशासन, कला, साहित्य आदि हम इस वीडियो में देखेंगे। जानकारी का स्रोत जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है, जो 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में था। उस समय सबसे पहला स्रोत यह है। उसके अलावा कात्यायन के वार्तिक, महाभारत, संगम साहित्य, ये भी एक बड़ा स्रोत है संगम साहित्य, और टोलमी की भूगोल, ये इनकी जानकारी के स्रोत है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अब स्थान कहाँ है इनका वर्तमान में, तो कावेरी नदी, पेन्नार नदी, कोरोमंडल, ये जो पूर्वी तट है, तंजोर, तिरुचिरापल्ली, तो ये जो वर्तमान में जो इलाके हैं यहाँ तक जो है ये फैला हुआ था। विशेष तथ्यों की बात करें तो पहली राजधानी उत्तरी मनलूर आप याद रखें, दूसरी राजधानी उरेयूर, और तीसरी राजधानी या बाद में थी तंजौर, तंजावुर। इसको आप MUT मूट सबसे याद रखें, मनलूर, उरेयूर और तंजौर, लास्ट में अंतिम रूप से तंजौर या तंजावुर इनकी राजधानी रही। राज्य के चिन्ह इनका बाघ था, बाघ। इनका प्रारंभिक इतिहास संगम युग यानी 3री शताब्दी से प्रारंभ होता है। संगम युग क्या था, हालांकि एक अलग से टॉपिक पढ़ा जा सकता है इसको। तो ये महान कवियों के तीन संगम हुए थे, मदुरे, कपाटपुरम, उत्तरी मदुरे। तो वहाँ पर जो साहित्य लिखा गया, उस साहित्य में जो उल्लेख मिलता है वो इन इन राजाओं के बारे में भी मिलता है। अब हम प्रमुख शासकों की बात करें संगम साहित्य के अनुसार, तो प्रारंभिक जो चोल शासक थे 3री शताब्दी में, उसमें पहला आता है इलन जैत चेनी। ये फर्स्ट शासक था इस राजवंश का, और इसकी राजधानी उरेयूर थी, और यह है अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। युद्ध में ये सुंदर रथ जो है वो काम में लेता था। तो आप ऐसे याद रखें इसको कि ये रथ में चैन से बैठकर युद्ध करता था। दूसरा है करिकाल, यह प्रारंभिक चोल शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक था, और करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार पत्तन की स्थापना की। यानी कावेरी नदी जहाँ समाप्त होती है, समुद्र में मिलती है, वहाँ पर इसने एक बंदरगाह बनाया जिसको बोला पुहार, और जिसको वर्तमान में कावेरी पत्तन भी बोलते हैं। इसके पास शक्तिशाली नौसेना थी, और संगम युग का सबसे महान शासक था ये। अब हम इसकी बात करें याद रखने की, तो अभी पहले हम इसको देख लेते हैं। तीसरा था कोचे नगनान, यह भी संगमकालीन चोल राजा था। तो शुरू शुरू का जो चोल राजवंश है प्राचीन काल, उसमें तीन ही राजा हैं। पहला है इलन जेत चेनी, जो चैन से सुंदर सुंदर रथों पे बैठ के युद्ध करता था। उसके बाद में आ गया करिकाल, और उसके बाद में आ गया नगनान, नान। तो आप जैसे भोजन करते हैं कई बार, तो करी यानी कढ़ी, और नान, नान जो भोजन बनता है रोटी, ये काम में लेते हैं। तो चेनी, करी, नान, यानी चैन से करी और नान खाओ। तो ये प्रारंभिक जो है चोल राजा थे। उसके बाद में द्वितीय चोल साम्राज्य शुरू होता है, जो 9वीं से 12वीं शताब्दी तक चलता है। इसका उदय 9वीं शताब्दी 850 ईस्वी में हुआ। 3री से 9वीं सदी के बीच का जो चोल काल वो अंधेरे में है, यानी बीच का जो समय रहा उसका कोई जो है ऐतिहासिक उल्लेख जो है उसमें नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं विजयालय चोल की। तो जो नया वाला जो चोल वंश है, द्वितीय चोल वंश है, उसका संस्थापक था विजयालय चोल, 850 से 871। चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक था, राजधानी इसकी तंजौर थी। पल्लवों के अवशेषों पर साम्राज्य की स्थापना की इसने, यानी आप याद रखें कि पहले पल्लव थे, पल्लव जब पतन हो गया तो उसके बाद में चोल पुनः अस्तित्व में आए। विजयालय ने पांड्यों से तंजौर को छीन कर अपनी राजधानी बनाई, यानी इसमें बहुत जोर था इसलिए इसने विजय कर ली। तो आप याद रखें तंजौर, इसके तन में जोर था, तंजावुर, ये याद रखने के तरीके से हैं। तो विजयालय जो इसकी राजधानी तंजौर थी, विजय पल्लवों का सामंत था, यानी पल्लवों का सामंत था। फिर इसने पल्लवों को, जो बचे कुचे थे, उनको पराजित करके अपना साम्राज्य बनाया।
उपाधि थी इसकी नर केसरी। तो ये हो गया विजालय चोल। उसके बाद में आता है आदित्य, आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम जो है 871 से 907 ईस्वी तक शासक रहा। आप ध्यान में रखें, सन आपको नहीं याद रखना, बस ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं। विजयालय का जो पुत्र था ये, इसने पल्लव, पांड्य और कलिंग को पराजित किया। पल्लव यहाँ जो बच्चे कुछ थे उनको, पांडे जो है इनके यहाँ दक्षिण में थे उनको, और कलिंग उड़ीसा में था उसको जो है इसने पराजित किया। आपको याद होगा अशोक ने भी कलिंग पर हमला किया था प्राचीन काल में। आदित्य ने उपाधि धारण की कोदंड राम की। अब हम बात करते हैं प्रांतक की। प्रांतक प्रथम 907 से 953 ईस्वी रहा। उपाधि इसकी मदुरै कोंड की रही। मदुरै को जीतने के उपलक्ष्य में इसने वेलूर के युद्ध में 915 में हुआ पांडे और श्रीलंका की संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया। तो वेलूर का युद्ध आप इसका याद रखें, प्रांतक का। पर आंतक यानी दूसरों में, आंतक यानी दूसरों में भय, इसका ये नाम का अर्थ होता है। तो इसने दूसरे यानी जो पड़ोस में श्रीलंका, उसमें भय पैदा कर दिया। श्रीलंका से संघर्ष की शुरुआत इसी के समय हुई, ये बात आप ध्यान रखें। फिर आगे जाकर राजराज ने उत्तरी श्रीलंका को जीता और राजेंद्र प्रथम ने पूरी श्रीलंका को जीता। तो श्रीलंका से संघर्ष की शुरुआत किसके समय हुई? प्रांतक प्रथम के समय। तो अभी तक हमने चोल वंश के बारे में पढ़ा, यह दो भागों में था। पहले तीसरी सदी में संगम युग के समय, वहाँ चेनी और करी और फिर नान, याद रह जाएगा, इलंजेत चेनी, करिकाल और वो कोचे नगनान। इसके बाद में दूसरा चोल वंश आया, उसका संस्थापक था विजयालय चोल। राजधानी आप MUT से याद रखें, मलनूर और उरेयूर और ये तंजावुर। उसके बाद में विजयालय चोल आ गया और फिर आदित्य आ गया और फिर प्रांतक आ गया। अब अगले वीडियो में हम राजराज और राजेंद्र प्रथम और उनकी उनके निर्माण कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें। धन्यवाद।